Hey guys, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, शुक्र अल्लाह का आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज आज मैं जा रही हूँ शॉपिंग के लिए थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास विंटर्स की कोई कलेक्शन नहीं है, हमसे ज्यादा गरीब मुझे लगता है इस टाइम कोई भी नहीं है, मतलब कपड़ों के मामले में, मतलब अल्लाह का शुक्र है गाइस, मैं समझाती हूं। नहीं अल्लाह का शुक्र है, बहुत कपड़े हमारे पास, सर्दियों के भी बहुत है, लेकिन लास्ट विंटर्स के कपड़े जो मैंने सारे कपड़े अपने निकाल दिए हैं, दे दिए हैं जिसको मुझे देने थे। अब मैं जा रही हूँ अपने लिए कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करने, थोड़ी बहुत अलीना की शॉपिंग करने, क्योंकि अलीना के पास भी कुछ नहीं है। हम दोनों गरीब हैं, लेकिन एक चीज बहुत अच्छी हो गई है कि हमारे सेम साइजेस आने लगे हैं। अलीना के कपड़े मुझे फिट आ रहे हैं, मेरे कपड़े अलीना को फिट आ रहे हैं। आज भी मैंने जीन्स अलीना की पहनी है उधार लेके, और गाइस मैंने अजरा पीकी, तो आज हम दोनों ने अपनी जीन्स चेंज की है, लेकिन अलीना की जीन्स फट रही है। वो फट नहीं रही, वो इलाज गई थी, वो कहीं उलझ गई थी तो वो निकल गई थी, साइड में से थोड़ी सी निकल रही है। लेकिन ये मैंने पहन ली क्योंकि मैं ऊपर से ना लॉन्ग कोट वेयर करने वाली हूँ। मैं सोच भी रही हूँ कि बुरखा भी डाल लूँ या बुरखा ओढ़ लूँ, देखती हूँ अभी। सॉरी। तो गाइज हम कहाँ जा रहे हैं, ये सारी चीजें मैं आपको भी आगे चल के बताऊंगी, क्योंकि हम खुद भी कंफ्यूज है कि हम कौन सी वाली मार्केट जाएं। हमारे पास दो ऑप्शन है, हमारे पास तीन ऑप्शन है एक्चुअली, रजौरी गार्डन, लाजपत नगर, सरोजनी नगर। सरोजनी नगर गाइज मुझे पसंद नहीं है, लीना मुझे बहुत इंसिस्ट कर रही है कि सरोजनी नगर चलो, तो मैं नहीं जा रही वहां पे क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ होती है, मुझे ज्यादा रश नहीं पसंद, धक्का मुक्की है वो। इसी वजह से मैं अपने सिलमपुर की आज तक मतलब मैं बहुत अवॉइड करती हूँ थर्सडे मार्केट, जिंदगी में दो चार बारी में मुश्किल से गई होंगी, वरना मैं भी अपनी मजबूरी के लिए, हाँ वरना मैं आज तक थर्सडे मार्केट नहीं जाना पसंद करती हूँ बिल्कुल भी। और अब हम जा रहे हैं, लेकिन गाइस अगर हम सरोजनी नगर नहीं जाते हैं और आप हमें कमेंट करेंगे कि हमें सरोजनी नगर का व्लॉग बनाना चाहिए, तो हम डेफिनेटली जाएंगे आप लोगों के कहने पर। ओके गाइस अभी आगे की सारी चीजें दिखाते हैं, थोड़ा सा टचअप कर ले, ज्यादा कुछ करना नहीं क्योंकि मार्केट जा रहे हैं, तो मेकअप थोपने की जरूरत है नहीं, हल्का फुल्का सा टचअप करेंगे और फिर निकलेंगे। तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग, मैं हूं बहुत प्यारी अलीना, क्या आपके भी पैर सूजते हैं मैम सर्दियों में? देखो मेरे कैसे हो रहे हैं, मोटे मोटे अंकल वाले हो जाती है सर्दियों में। चलो अब मैं हो चुकी हूँ रेडी, मेरा ये कोट बहुत ज़्यादा लूज था इसलिए मैंने इस पर ही बैंड लगा ली है। ये स्लीपर्स मैंने वेयर किए हैं जो कि मैंने जामा मस्जिद मोवन फुटवेयर से ली थी, इसकी मैं इनका नंबर ऐड कर दूंगी, आप मंगा सकते हैं, बहुत प्यारी कलेक्शन है इनकी। बाकी ये स्टॉल भी मैंने बर्बरी का उन्हीं से लिया था। अब मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है, आगे चल के सारी चीज़ें आपको दिखाती हूँ। तो गाइस लास्ट मोमेंट में मेरे मूड स्विंग्स होते रहते हैं आपको पता ही है, बस मैंने अपना बुरखा डाल लिया, मुझे यही अच्छा लग रहा था, बुरखे के ऊपर ही मैं अपना कोट डाल लेती हूँ। देख बुरखे के साथ सही लग रहा है ये, ईमानदारी से। बाल भी तो बहुत खराब हो रहे हैं ना, इन्हें ठीक करा के अपने बालों को। चलो वाले भैया ने हमें यहीं फेंक दिया उतार के, कह दिया गेट आउट, मैं आपको नहीं लेके जा सकता। हम कहाँ जा रहे हैं? एक्चुअली ऐसा हुआ कि हम अलीना की बच्ची है ना, ये जिंदगी में कोई काम सही नहीं कर सकती, इसने लोकेशन ही गलत डाली थी। इन्होंने मुझसे कहा कि वो आएगा लिखा हुआ लाजपत नगर न्यू दिल्ली, वही लिखा हुआ है, मैंने वही डाल दिया, मुझे क्या पता मार्केट भी लिखना था, क्योंकि दो लाजपत नगर है, साहिबाबाद वाला जिसमें हम अलीशा के सैलून जाते हैं, हां इतना तो मुझे पता है लिखा हुआ आएगा। चाहे हमारे बॉय रैड भैया चलो गाइस हम आपसे लोकेशन पे जाके मिलते हैं, ठंडी, और अगर बीच में कुछ हमें उल्टा सीधा दिखा तो आपको जरूर दिखाएंगे। फाइनली हमें रिलैक्स मिल गए क्योंकि हम लाजपत नगर पहुंच गए हैं, और अलीना उधर चली गई है, मैं इधर हूँ, तो अभी हम एंटर करेंगे केएफसी की साइड से। किधर गई? तो हम केएफसी की साइड से एंटर करेंगे,
और आगे जो जो कुछ हम करेंगे वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। और गाइस आपको जैसे कि पता है कि अलीना का काम है मेरे काम बिगाड़ना, और अलीना मेरा काम बिगाड़ चुकी है। कोड मिल रहे हैं 300 में, लेट मी चेक। बैग लो, पर्स लो, पर्स लो, बैग लो, बैग लो, तो देखने में अजीब है। आपके लिए लग रहा लोग मुझे अभी नहीं। यहाँ पे मैं वॉइस ओवर करूंगी, ये चेक करूँ कि एक बारी पहन के आपको अपने लिए चाहिए। हाँ, लेकिन एक्सरसाइज चाहिए। हाँ, एक्सरसाइज ही दे रहा हूँ। ओके, ओके लो। पहले तो मेरे लोग गाइस, लेकिन ब्रांड मेरे अभी भी एम या एल होता है, और नॉन ब्रांड में लूंगी तो मेरा एक्सेल आएगा। ओके, मेरा दुपट्टा सही है? नहीं, सही नहीं है। अभी ये पकड़ो, मैं उनको दे रही थी। तो पीछे हो पहले थोड़ी सी। क्यों वाली तुम पीछे जाओ, मुझे क्यों पीछे करते? मुझे पीछे का दिखने ना ना, शॉर्ट है ये, थोड़ा ये शॉर्ट ना लॉन्ग दिया अभी ना। इतने साइज का है ऊपर, नीचे साइज का नहीं, नहीं 3 साइज का। हां ये रख दो, तुम वाला भी नहीं है। ये सेम वैसे ही टाइगर प्रिंट का लुक आता है। बुट काट का दिया। यहाँ पे मैं वॉइस ओवर करूंगी, ये चेक करूं कि एक बारी पहन के। दो 650 वाली है आपका, और एक 950 वाला है आपको। भूल जाते भाई साहब। दो गाइस हम ये देखिए, हम लाजपत नगर की उन गलियों से गुजर रहे हैं गाइस जहाँ से हम अभी तक नहीं गुजरे हैं, क्योंकि बहुत साल बाद नहीं नहीं क्या हो गया, बहुत टाइम बाद। देख सकते हैं यहाँ पे सारी डेकोरेशंस की आइटम्स मिल रही हैं, ये कारपेट्स वगैरह की शॉप है। गाइस देखो मुझे क्या बना रखा है, ये कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ये इसका लुक भी अच्छा आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर रश। ओह माय गॉड, ये क्या था, इन्होंने तो मेरा सॉरी हिला दिया गाइस। हम जा रहे हैं स्ट्रीला टॉयज अपने लिए शूज, क्यों पीछे बहुत तेज आ रहे हैं। अच्छा फिर क्या, अच्छा हुआ मेरा अच्छा तोड़ना हुआ, फिर तो बेकार है। अच्छा तब होता है जब हमें चाहिए होता है। ये अच्छे लग रहे हैं लीना। ये देखो वाश करो, फोन करो, जो मर्जी करो, इससे कोई दिक्कत नहीं। हमने लिया एक बैग, देखो खोलो, बाल खोलो, लगा के दिखाता हूँ, लगा के दिखाता प्रॉपर आपका। ये
तो गाइस जरा अपने बाबू को कहेंगे हम बहुत पतले हैं, देखो क्या निकाल के लाइए, पहले दिखाओ गाइस। ये यहाँ पे 500 के मिल रहे हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे। हाँ ले रही है भुट्टा वगैरह, और हमें लाजपत नगर में कुछ भी इतना ज्यादा पसंद नहीं आया, हमने बस दो चार चीजें ली हैं। अलीना सही कह रही थी, हमें सरोजनी ही जाना चाहिए था, यहाँ पे तो कुछ भी अच्छा नहीं था, इतना एक्सपेंसिव, वो भी नीचे शोरूम से हम ले रहे हैं अलग बात है, स्टेला वगैरह से मैं लेती हूँ, मतलब हम शोरूम की चीज़ें लेते हैं वो एक्सपेंसिव होती है समझ में आता है, लेकिन ये इतने ज़्यादा हाई रेट ना, और अच्छा भी नहीं था गाइस, हाई रेट छोड़ो अच्छा भी नहीं था। तो अब हम भुट्टा वगैरह खा रहे हैं फिर घर जाते हैं। घर वापस, और सच बता रही हूँ आपको गाइस, कुछ भी अच्छा नहीं था लाजपत नगर में, कुछ भी जिसे कहते, इसलिए हम अपने घर वापस आ गए सुकून के साथ। हम गए थे तो पूरा घर ऐसे छोड़ के गए थे, अब अलीना ने किया पूरा घर साफ, मैंने किया किचन साफ, और अब मैं बना, अब हमने ऑर्डर किया था अपने लिए पाव भाजी वगैरह, वो हमारा एक ऑर्डर आ गया, एक ऑर्डर अभी रह गया तो हम वो खा लेते हैं, अभी आपको दिखाते हैं सारी चीज़ें। गाइज हमारा दूसरा ऑर्डर भी आ गया है रोल स्कीम का, और गाइज ये हमारा बड़ा पाव बॉम्बे स्टाइल, देखिए मिर्ची भी आई है साथ में, बड़ा पाव भी आया है, एक अलग खाएगी एक मैं खाऊंगी, ये हमारी आग भी जल रही है, और गाइज सब्जी तो देखो इन्होंने हमें हफ्शी समझ दी है, इतनी सारी सब्जी दे दी, हम क्या करेंगे इस सब्जी का, हम तो नहीं खा सकते। कुछ करना ठीक है, एक प्लेट आपको खाने के बाद मिलते हैं आपसे। ओके, हमारी सारी सब्जी ऐसी की ऐसी रह गई, हमने नहीं खाई, और मैं इसका रैप कर चुकी हूँ गाइस। अलीना ने खोल दिए रोल्स, हमने मंगाए चिकन कबाब रोल्स अपने दोनों, एक दोनों एक बाद में खाएंगे, वो तो बन गया, मैं नहीं खाऊंगी बिल्कुल भी अब, चेकिंग चेकिंग बाद में, मैं अपने में से नहीं खिलाऊंगी, खिलाओगी नहीं अपनी बहन को, हाँ न्यू गाइस कमेंट में जरूर बताना आपने देते अपनी बहन को, मैं नहीं दूंगी, लेकिन आप तो बहुत प्यारी हो। A few moments later. Guys, आप देख सकते हैं अमन आई है हमारे घर, ये हमारा सामान आया है, देखे अमन अलमारी खोलते ही चॉकलेट मार रखी है, ये तिजोरी खोल, इसमें बैग रखा रेड कलर का, इसमें ही है, ये अलीना अप्पी के लेंस रखे हैं इसमें, गाइस धुआं हो रहा है इसलिए एम एंड ब्लर ब्लर दिख रही है आप लोगों को। ये सारी चॉकलेट्स तुम्हारी हैं अमन, तो गाइस ये चॉकलेट मैंने कब से रख रखी थी एमन के लिए। तो गाइस अलीना ने बनाया है वाइट सॉस पास्ता, वो देखो बाहर का रास्ता, सॉरी वो है, तो ये इधर आग जलाई, इतने ज्यादा धुआं हो रहा है, इधर हमारा पास्ता बन गया, हम खाते हैं। तो गाइस इधर अलीना और अमन खा रही हैं साथ में, अभी आने वाला खाएंगे वो, कैसा बना है अमन खा के बताओ, मैंने तो पेनी खा लिया तो बहुत अच्छा, तो कढ़ाई में हाथ डाल जा रही थी। दिल लग रहा है अमन, और हमारा दिमाग खा रही है अमन, पहले ही दिन सर पका चुकी है हमारा अलीना पी, तुमने ये डाल दिया। तो गाइस मेरे हाथ में लग गई है, मेरा गुस्सा किसी दिन मुझे तबाह बर्बाद कर देगा। तो गाइस आज एमन जो है इधर सो गई है आप देख सकते हैं, और रात बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं भी आज सो गई थी, अभी सो के उठी हूँ दोबारा, मुझे भूख लगी तो मैंने चाय और ये पार्ले जी का बिस्किट, मैं ही पागल हूँ गाइस बाबलों की तरह जागती रहती हूँ, तो आज 15 मिनट के लिए सोई होंगी मुश्किल, आधे घंटे के लिए, आधे घंटा वो बैठी बैठी, वो भी आज मैं सोई नहीं, सोई नहीं पूरे दिन ना पूरी रात, हमारा गुस्सा मैं कहाँ ही लेके डूबेगा यार, बल्कि मैंने अपनी वो स्लीपिंग वाली पिल गमीज 3 गमीज खाई थी मैंने रात, मर जाऊंगी, मर सुधर जाओ भाई, जो आपको बताती हूँ, पहले मैं मूवीज में देखती थी जो लोग नींद नींद की गोली खाने की जिनको आदत टूट जाती है उनको डर लगता है, कुछ ना कुछ दिखता है, ये बात हकीकत है गाइस, मैं बहुत डर गई हूँ, कल भी डर गई, रात इन्होंने वो देख लिया वाइट भूत, न्यू कल भी डर गई परसों भी डर गई,
मत खाया ये वाली चीज खत्म करूंगी अभी से ये करूंगी तो आगे जाके मेरा क्या होगा बताइए जरा। तो गाइस आज का व्लॉग करते हैं पर एंड, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। और आपको मैंने बोला था कि आप हमें कमेंट करके बताएं कि मुझे सरोजनी नगर जाना चाहिए अलीना की डिमांड पे या नहीं जाना चाहिए। आप लोग कहेंगे तो मैं चल के जाऊंगी, अलीना की तो मैं सुन नहीं रही पर आपकी सुन लूंगी। फिर अपनी बहन की राजपूत नगर में मुझे पहली बार कुछ ज्यादा कुछ खास पसंद नहीं आया। पसंद क्या नहीं आया, कुछ था ही नहीं वहां पे, था बुरा सामान भी नहीं था। और मतलब शोरूम्स वगैरह पे तो ठीक था, लेकिन वो छोटी छोटी सी टॉप वगैरह ये सारी चीजें ज्यादा थी, वो चीजें मुझे चाहिए नहीं थी। वैसे मैं सारे कपड़े हैं, मेरे को बस ना मेरे पास फिलहाल विंटर्स ना जैकेट है ना स्वेटर है ना लॉन्ग कोट्स वगैरह। मुझे लॉन्ग कोट वगैरह अपने लिए चाहिए थे, लेकिन वहाँ पे मुझे समझ में नहीं आए जो लॉन्ग कोट वगैरह सरोजनी नगर में मतलब मिल जाते आराम से 500-700 रुपए के, वहाँ पे 2,000-2,500 2,500 900-900 1,100-1,100 से कम के नहीं दे रहे थे, वो भी लेडी पे। शोरूम का तो क्या ही कहना, शोरूम पे से जो मैंने जैसे मैंने मेरी चुनमुन वगैरह की जैकेट है 2 साल हो गए मेरी उस जैकेट को, वो मैंने ली थी 7,000 समथिंग की। तो ब्रांड में हम खर्च कर रहे हैं गाइस समझ में आता है, लेकिन ये जो फिर ऐसे भी इतना सस्ता यहाँ भी मिल रहा है वहां भी मिल रहा है। और आप यकीन करना आधे से ज्यादा औरतें जब चीजें खरीद रही थी वहां पे उनकी जबान पे ये था सरोजनी में तो इतने का मिलता है यहाँ इतने का मिल रहा है ये हो रहा है। तो हम नेक्स्ट व्लॉग अगर आप लोग कहेंगे तो सरोजनी का बनाएंगे, वरना जहां मेरा दिल करेगा वहां मैं जाऊंगी। वैसे भी मुझे तो राजौरी गार्डन लाजपत नगर को मैंने 4th नंबर पे रख दिया है। बहुत साल पहले आज से 2-3 साल पहले लाजपत नगर मेरे लिए नंबर 1 पे आता था, लेकिन अब नंबर 1 पे मेरे लिए आती है राजौरी गार्डन की मार्केट, उसके बाद कमला नगर की मार्केट, उसके बाद मेरे लिए आती है जीके की मार्केट। नहीं, फर्स्ट नंबर पे आती है राजौरी, फिर जीके, फिर कमला नगर, उसके बाद आती है लाजपत नगर। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपकी कौन सी फेवरेट मार्केट है। और इंशाल्लाह गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मत हुई जा सकता है सिलमपुर तो तुम ही लोगों को पसंद है, मैं स्टार्टिंग से सिलमपुर पसंद नहीं करती बिल्कुल भी। खैर ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं सिलमपुर में भी बहुत अच्छा कुछ सामान मिलता है। मैं सिलमपुर पसंद नहीं करती हूँ जाना, लेकिन सामान पसंद करती हूँ। मेरी भाभी शुरू से आलिया कोमलापी वगैरह सामान ला देती है। ओके गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, कमेंट करना ना भूलेगा, जो आप कहेंगे वही आएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा आएगा हाँ वही होगा। बाय बाय, ओके गाइस बाय।